छठी माई के गीत गाए, सजे धज के नई की दुल्हन, पर्व के ठिकुआ बनाए, पर्व के ठिकुआ बनाए। आप सभी को छठ की शुभकामनाएं। आज हम छठ का खास प्रसाद ठेकुआ बनाएंगे। इसके लिए हम एक बोल में लेंगे 2 कप आटा, आधा कप उसमें मैदा डालेंगे, आधा कप नारियल का बुरादा डालेंगे। इसमें किशमिश, सौंफ, कटा हुआ नारियल डालेंगे। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पिसा हुआ गुड़ लिया है। अच्छे से सब चीज़ों को मिला देंगे। 4 बड़े चम्मच के करीब घी डाला है और इसे अच्छे से मिलाएंगे कि हाथ में आप उठाएं तो जुट जाए और छूने पे एकदम बिखर जाए। थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी के साथ इसका एक सख्त आटा लगा देना है और आटा लगा के 10-15 मिनट आप इसे रेस्ट करवाएंगे। वैसे तो इसके लिए सांचे बने होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फोक की मदद से इन्हें पत्तों का आकार दिया है। ये ऐसे बहुत सुंदर लगते हैं देखने पे। ध्यान रखिए कि लोई को आपको ना ज्यादा बहुत मोटा करना है ना बहुत ज्यादा पतला करना है, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएं। सारे ठेकुए इसी तरीके से बना के रख लीजिए। पैन में अब हम ठेकुए को तलेंगे, तो इसके लिए पैन में तेल गरम कर लें। तेल को गरम होने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं। 5 से 10 मिनट करीब आप इसे पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सुंदर रंग हमारे ठेकुए का आया है। गोल्डन ब्राउन कलर के ये ठेकुए लग रहे हैं। ये ना बाहर से एकदम खस्ते और अंदर से थोड़े से नरम बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। सी यू सून, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।